हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, सो गाइस हम लोग आ गए हैं मौसी के घर पे। 14 फ्लोर पे अभी हम खड़े हैं और ये मेरा ड्रेस है आज का, नॉर्मल शर्ट, और क्योंकि शादी में है तो भाई ऐसे कपड़े होने चाहिए। और ये इनकी किचन है, वो मेरे एक पुराने कहीं ब्लॉग में होगा, आप ढूंढो। और अगर तुमने हमारी शादी नहीं देखी रशियन, तो मैं आई बटन में दे देता हूँ, तो आप देख लेना। बाकी अभी यहाँ पे सब लोग तैयार हो चुके हैं। ये सात्विक बिल्ली के साथ खेल रहा है, रियल बिल्ली के साथ। ну да, Каш, Ленка приехали, да. तो आज का जो स्टार्ट है वो मैंने ऐसे ही करा है, गला थोड़ा ख़राब है, चार दिन से मेरी बहुत हालत ख़राब है। और ये टाइम मेरा वीक जो है बहुत ज़्यादा हार्ड गया है। मौसम ठंडा है यहाँ पे, 8-9 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है, सॉरी, और ठंड भी बढ़ चुकी है। बहुत सारे कपड़े चेक किए मैंने कि ये पहनूँ या ये पहनूँ या ये पहनूँ, तो लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कुछ भी, तो फाइनली मैंने ये पहना। जो फाइनल लुक होगा वो लेना दिखा देगी कैमरा पकड़ के, या हमारे जो फोटोग्राफ्स होंगे वो मिलेंगे इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो मेरे को, स्टोरीज और कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं सब कुछ तो उसी में बताते हैं, है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ मैं। और दूसरा, शादी कैसी होने वाली है, आज शाम तक का प्रोग्राम है, अभी लिमोजिन आएगी, अभी टाइम हुआ है 12:15, ये मेरी न्यू वॉच, अगर अभी आप तक ने नहीं देखी तो मिलते हैं फिर आगे। लिमोजिन कैसे कैसे क्या है, क्या प्रोग्राम है आगे, सब कुछ हम आपको बताएंगे। एक बार और व्यू देख लो 14 फ्लोर से कैसा लगता है, बहुत ही प्यारी जगह है। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं और ये टैक्सी में अभी जाएंगे पहले जाक्स तक जहाँ पे शादी होती है, और उसके बाद लिमोजिन। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं अभी, और आपको अगर मैं बता दूं कि हम आए कहाँ हैं, तो ये जगह जानी पहचानी होगी आपके लिए। तो जहाँ शादी होने वाली है वो अंदर ही कहीं पे है जगह, और फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे जहाँ पर घूमने के लिए या रेस्टोरेंट या जो भी है। मेरे पास एक बैग है जिसके अंदर सब बॉटल्स वगैरह हैं। फाइनली तो सात्विक और ये सब, अभी देखो सर्दी में क्या हालत हो रखी है, जैकेट और ये सब, लेकिन अंदर जाके सब हीरो बनेंगे। सो गाइज ये है वो जगह जहाँ पे शादी होती है, और अंदर से भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये बाहर से है, बहुत ही सुंदर है ना, कितनी सुंदर जगह। अभी नए नए पेयर यहाँ पे खड़े हैं, सबके टाइमिंग होते हैं कि किसी का टाइम कितना बजे है, कितने कितने बजे वहाँ आते हैं। थोड़ी सी हवा भी आ रही होगी आप लोगों को, और ये एक सेक्शन है जहाँ पे लोग अपना फोटो सेशन करवाते हैं बैठ के, सब कुछ देख रहे हो। और अभी अंदर चलते हैं, अंदर अभी मैं लेना और जो लड़का है उसके मम्मी और लेना की मम्मी आ चुके हैं, दिखाता हूँ। देखो ये रही ये लेना की मम्मी, लेना की मौसी, सात्विक रो रहा है हमेशा की तरह। अरे ये लेना, ये लेना का ड्रेस, ओहो ये वही है जो आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था। पहले तो बोल रही थी लेना कि मैं वो नहीं पहनूंगी, कोई और ड्रेस बोलती है, लेकिन फाइनली चेंज कर लिया। देखो मेरे पीछे एक और नया पेयर खड़ा है ना, उनकी भी आज ही शादी है या हो सकती होगी, आई डोंट नो, अभी पहुंच गए क्या, अच्छा अभी पहुंच गए, उनकी शादी होगी, हमारा वाला कपल भी आएगा, देखते हैं उन लोगों को भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो कंटिन्यू रखते हैं, और इंस्टाग्राम भूलना मत, इंस्टाग्राम पे फोटोज आएंगी आज की जो भी होगी, क्लिक करते हैं अभी मचक मचक की एकदम। सो गाइस अभी चल रहा है फोटो सेशन, अभी फोटो सेशन चल रहा है, जो नया जो कपल है वो लड़के लड़की गए हैं नीचे, वो अपने डॉक्यूमेंट्स पे साइन करेंगे, उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि अब वो शादीशुदा हैं। फिर उसके बाद वो लोग ऊपर आएंगे, उनका फोटो सेशन होगा, यहाँ पे फोटो खींचते हैं लोग, और अभी बस चल रहा है, हम लोगों के फोटो क्लिक हो चुके हैं, तो जो यहाँ के होंगे वो शायद लेट ही मिलेंगे, जब भी मिलेंगे, जब मिलेंगे तो इंडिया की तरह इतना लेट नहीं मिलेंगे, लेकिन जब मिलेंगे तो अच्छे लगेंगे। सात्विक को चुप कराने के लिए हमने देखा, ये आ गया नया कपल, तो ये हमारे कपल हैं। छः
Есть? Уважаемые гости, просьба отключить звуки мобильных телефонов. Подходите поближе. Вы заходите следом за женихом с невестой, с левой стороны присаживаетесь на стульчике. Пакетов никаких лишних у вас нету, да? Там оставили. Вот там не оставляйте. Нет, нет, нет. Где можно оставить? Вот здесь. А мы у администратора поставим. Я не знаю. तो गाइस ऐसा नहीं है कि शादी के बाद हर जगह हिंदुस्तान में ज़्यादा गंदगी करते हैं। यहाँ पे भी देखो, अभी ये जो पहले कपल गया होगा एक, उन लोगों ने कुछ ये फेंके होंगे, ये नकली के नोट छोटे छोटे से, ये 500 यूरो ये सब दिखा रखा है। लेकिन ये क्या गंदगी तो है। अब इसको वो बेचारा वो साफ़ कर रहा है, वहाँ पर उन्होंने बॉटल फोड़ दी, अब वो झाड़ू मार रहा है। और हम यहाँ पर अभी हम लोग भी गंदगी मचाएंगे। ऐसा नहीं है हम लोग गंदगी नहीं मचाएंगे, अभी हम लोग भी गंदगी मचाएंगे, क्योंकि ये तो रूल है सबको फूल वूल फेंकने, और नॉट रियल, ये भी नकली के हैं, लेकिन यहाँ गंदगी मचाएंगे फ़ोटो के लिए। शादी तो पहली बार होती है ना, तो अभी यहाँ पे करेंगे यहाँ पे ये है। अभी सब लोग बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे भी फूल वूल फेंकेंगे। इसमें बॉटल वगैरह उठा ली, सो गाइस ये देखो अभी भाई अपना गंदगी उठा रहा है, और अभी हम लोग तैयार हो गए गंदगी मचाने के लिए। ये उर्रा गिरा देना गोदी उठा के, ये हाँ अभी प्रैक्टिस चल रही है जरा, ये 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 एक दूसरे की पप्पियाँ लेते हुए ये अब इनको उछा लेंगे गोदी से। सो गाइस मौसम देख रहे हो, बादल कितनी तेजी से जा रहे हैं, और यहाँ पर ये लोग अभी। सो गाइस हमारी ये है लिमोजीन, लंबी वाली गाड़ी, और इसमें बैठेंगे हम। सो अभी देखते हैं इसमें बैठते हैं, और भाई कल्यास का दो पहले इसको ड्राइवर को।
А сачку можно у нас не пьющие люди? Сачку? Сейчас. So guys, यहाँ पे सात्विक भी खा रहा है. So guys, अभी हम लिमोजिन को तो कर रहे हैं अलविदा. लिमोजिन अभी चली जाएगी और हम लोग जाएंगे भी रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट से फिर हम अंदर बॉलिंग खेलेंगे और सब कुछ. और यह टीवी टावर, मैं आपको बता देता हूँ, टीवी टावर यहाँ पे बहुत फेमस है और यहाँ पे आप ऊपर जा भी सकते हैं. वहाँ ऊपर रोटेट होटल है जो घूमता है ना. और ये हमारा बैक में रेस्टोरेंट है. और ये जो ऊपर है ये मोनो रेल है, मैग्नेटिक रेल जो मैग्नेट के उससे चलती है. और हम नियर विदिनखा मेट्रो के पास है. विदिनखा पार्क भी है बहुत फेमस. और हमारी जो पब्लिक है बहुत थक चुकी है, शायद जा नहीं रही है, बहुत लेट हो गई है. चलो भाई जल्दी से. सो गाइस यहाँ पे ट्रैम की लाइन है, ऊपर मोनो रेल, और ये है हमारा गैलेक्टिका कराओके लॉन्च डिस्को बाउलिंग. और मेरी साली साहिबा भी यहीं कहीं टैक्सी अपनी गाड़ी में रुकी हुई है, अभी ढूंढते हैं. बहुत सी तो सारी है सामने से. ये मेरी साली साहिबा. सो गाइस, ये है गैलेक्टिका. गैलेक्टिका मतलब रशियन में लिखा लेकिन इंग्लिश में गैलेक्टिका. और ये अपना ग्रुप पूरा का पूरा सात्विक के साथ. सात्विक भी जग चुका है, सब आ चुके हैं अपने. ये हमारी जगह है कखरशो. तो गाइस हम लोग यहाँ आ चुके हैं सर. सो गाइस हम लोग यहाँ आ चुके हैं. ये मेरे साथ किसको है अभी तक? हाँ क्या देख लो, यहाँ बैठे हैं क्या? खिड़की पे बैठोगे तुम? गाइस ये देखो सात्विक कैसे से बैठा है यहाँ पे आराम से. नियतिया बोधु इस जिस साथ ही करे आदम खराशो. कोचिंग क्लास एंड शी इज माय साली आदि घरवाली ब्यूटीफुल. So guys, ये मेरा खाना है वेजिटेरियन. मैं खाना नहीं, लाइक चैम्पियन के साथ जब कुछ स्टार्टर कुछ खाते हैं तो ये मेरे लिए अभी तक. बाकी सब जो आइटम है सब नॉन वेज या फिश से बना हुआ है जो मैं नहीं खा सकता. ये ब्रेड है और ये सैलड है, ये अभी तक खा रहा हूँ. बाकी लोग खा रहे हैं, खाओ भाई खाओ. So guys, ये जो है अरेबिक जो आदमी लग रहा है सऊदी अरेबियन, बट ही इज नॉट अरेबियन. ड्रेस कोड है, इमेज ऐसे दिखाई कि कल्याण का जो करता धरता है. फ्लेवर बताओ, ऑरेंज
Orange apple. और मैं आपको बता देता हूँ, कल्याण मेंस होता है हुक्का, हमारे पास आएगा शीशा हुक्का, फ्लेवर्ड हुक्का आएगा भी तब पीते हैं। मान नहीं रहा था, बहुत बदतमीज हो रहा था। ट्रॉली पे गिरते हैं फिर, और ट्रॉली से चली जाती है बॉल। रात गया है ये अच्छा नहीं होता पता है, मैं दिखाऊंगा क्या है। ओ इसको तो हम सीधी Черт, я не успел. Кто-то заснял, да? Кто-то заснял? Мне фотки, спасибо. Давай напополам начнем. Нет, нет, вам только один кусочек надо отрезать, я дальше все сам повезу. Только один кусочек. Окей. Давай, так будь аккуратно, без барашка. Без барашка. Я профессионал. Точнее, давай. Ну, вторичку. У меня другие. Да? Да. So guys, हम लोगों को ये मिले हैं रिटर्न गिफ्ट। ये एक तरह के बिस्किट है, लेकिन इसके ऊपर जो लगा हुआ है, इसके ऊपर रशियन में लिखा हुआ है लड़के और लड़की का नाम, और डेट लिखी है किस डेट को शादी हुई है, 28/9/2018। और वो लड़का है, तुम लोग जानती हो, थोड़ा फोकस हो जाए, वो देख रहे हो वाइट शर्ट में। और वो दुल्हन हमारी हमारी मौसी जी की लड़की है, ये तो मेरी साली है, वो जो मौसी जी है। इस साली का वेट और कर रहे हैं बस, कभी लड़का ढूंढेगी फिर हम इसकी शादी में जाएंगे। फिर हाथ क्या था, हम सोच रहे हैं कि अब हम वीडियो को करते हैं यहीं पर अंत, है ना। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए क्या करेंगे, नहीं नहीं रुक जाओ रुक जाओ, वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आई हो तो, लोगों के साथ शेयर करना कि अगर आपको रशियन शादी कैसे हम करते हैं। अब आप लोगों को बता देता हूँ शादी में हुआ क्या। हम लोग गए जहाँ पे रजिस्टर्ड करवाते हैं, रजिस्टर्ड करवाने के बाद हम लोग ने वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करे, घूमे लिमोजिन के अंदर, और अगेन यहाँ रेस्टोरेंट में आ गए, रेस्टोरेंट में बॉलिंग खेले और खाया पिया, बस होगी शादी, यही शादी थी। और इतनी 10 लोगों की शादी में भी हम लोग शायद मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख का खर्चा हुआ होगा आराम से। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दर्शन।